ड्राइवर गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। कहते हैं मौसीकी रूह की गिजा होती है, मगर बाज़ दफा इसका शौक रखने वाले ये भूल जाते हैं कि ये किसी दूसरे शख्स को परेशान भी कर सकती है। लाहौर में भी एक शख्स को इंतहाई तेज आवाज में मौसीकी सुनने की आदत थी। इस बात पर जब उसे मना किया गया तो उसका क्या नतीजा निकला, देखते हैं इस रिपोर्ट। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में खलील और नाजिम काफी अरसे से एक मोहल्ले में इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन इन दोनों के घर वालों का आपस में अक्सर झगड़ा रहता था। चंद माह पहले भी गली में गाड़ी खड़ी करने पर दोनों का झगड़ा हुआ था, जिस पर खलील ने गुस्से में आकर नाजिम के छोटे भाई रिजवान और वालिद बूटा को सरिये के वार करने के बाद शदीद जख्मी कर दिया था। लेकिन बाद में मोहल्लेदारों ने इन दोनों घरानों की आपस में सुलह करवा दी। वो पहले ये हुआ कि ऐसे दो माह पहले मेरे भाई की शादी थी, उससे एक महीना पहले उन्होंने मेरे भाई को मारा। ये देखें, ये उन्होंने मारा, ये उन्होंने अपनी मार के इसे छोड़ के चले गए थे। एक दिन सुबह नाजम अपने घर से नमाज के लिए निकला तो खलील ऊंची आवाज में टेप रिकॉर्डर पर गाने सुन रहा था। नाजम ने उसे आवाज हल्की करने को कहा, जिस पर इन दोनों की तलख कलामी हो गई। खलील घर से बंदूक निकाल लाया और आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे नाजम और खलील की 55 साल मां मुख्तारा बीबी शदीद जख्मी हो गए। डक लाया सुबह सुबह 6 बजे का डैम से, तो भाई आया तो उन्हें कहा कि डक यार बंद कर दो, सुबह सुबह का डैम है, तो उन्होंने फाड़ के तो भाई ने कुटिया, तो उन्हें बाद दूसरे भाई ने अपने फोन किया, उन्हें गन लिया के गोली मारती है, तो सानू गोली मारने लगा, नाल ही वालदा ने मज गई। नाजम और मुख्तारा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो दम तोड़ गए और पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने जमा करवा दिया। मकतूल नाजम के घर वालों का कहना है कि खलील और इसके घर वाले हमेशा हमसे लड़ते रहते थे, जिसके बारे में हमने पुलिस को आगाह किया था, लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। 5 मार्च को भी वकुआ हुआ है, तकरीबन 7:30 बजे वो बेटा मेरा आसम आया, उसने कहा भाई इधर से गधा गाड़ी आगे पीछे कर लो, हमारा मेन गेट छोड़ दो। इसी वजह से उन्होंने मेरे बेटे के सर में पैर मारा, लोहे का सरिया, तो जख्मी हो गया। ये जनरल अस्पताल में तकरीबन इसकी ट्रीटमेंट 7 घंटे का ऑपरेशन हुआ। बाद में मैं बाहर निकला शोर सुन के, मेरे भी उन्होंने सरिया मारा, मेरा भी इधर टांगे लगे, वही झगड़ा चल रहा था। आज फिर सुबह सुबह इसी बात पर गुत्थम गुत्था हुई है। बाद में पंप एक्शन लेकर पैर मारा सीधा मेरे बेटे के, मेरी आंखों के सामने मारा। पुलिस ने फरीकैन का मौकफ सुनने के बाद वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है कि फायरिंग एक घर से हुई या फिर दोनों घरों से की गई। दोनों पार्टियों के हकायक जो देखने की कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, जो भी हकायक हैं उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से हुई है। जो भी हकायक होंगे, असल हकायक होंगे, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मकतूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया है, तहम पुलिस अभी तक फायरिंग करने वालों का तायुन नहीं कर सकी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। मुल्क के दीगर बड़े शहरों की तरह लाहौर के रिहायशी भी डाकुओं के हाथों परेशान हैं। कहीं बैंक डकैतियां हो रही हैं तो कहीं ज्वेलरी शॉप लूटी जा रही हैं। भट्टा चौक लाहौर में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों और डाकुओं के हाथों 5 बच्चों के बाप के कत्ल पर अहले इलाका ने सख्त एहतजाज किया।
बरकी के नवाही इलाके सोड़े पिंड के एक घर में डकैती करके फरार होते हुए डाकुओं ने मजामत पर फायरिंग करके मेहनतकश अब्दुल मजीद को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। अब्दुल मजीद ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की थी। उसकी हिलाकत पर अहले इलाका मुश्तइल हो गए। मकतूल के वर्सा और गांव के रहायशियों ने टाइल जलाकर मेन रोड ब्लॉक कर दी। मकतूल की लाश भट्टा चौक में रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके इलाके में आए रोज डकैती की वारदातें हो रही हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये अपने होटल में खड़े थे, डाकुओं ने फायर किया, इसको यहाँ पे आगे लगा, ये मौके पे ही मारे गए। कोई पुलिस नहीं आई, कोई इंतजामिया नहीं आई। पहले भी वहाँ चोरियाँ डकैतियाँ होती रही हैं। गांव वाले सब मिलके इकट्ठे हो गए, पुलिस वालों को इतला करते हैं, कोई पुलिस वाला नहीं आता। अगर कोई आता भी है तो पता नहीं क्या मिल मिला के छोड़ देते हैं, पैसे लेते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस का इलाके में गश्त ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। आला हुकाम इसका नोटिस लें। मुजाहिरीन की इस मौके पर पुलिस हुकाम के साथ तलख कलामी भी हुई। पुलिस हुकाम ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जा रही है। जख्मे मुजाहिरीन के मुतालबे पर पुलिस हुकाम ने मुकामी पुलिस चौकी के इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया और इलाके में पुलिस की सिक्योरिटी सख्त करने के काम भी जारी किए। रोही नाले के ऊपर वो आ रहे थे, इन लोगों ने उनको रोका है। ठीक है, पहले वो पीछे वारदात करके हैं, मोबाइल वगैरह छीना है। ठीक है, इन्होंने आगे से कोई मुजामत नहीं की, उन लोगों ने फायर किया है। एक लड़के के यहाँ मुंह पे फायर लगा है। ठीक है, इसको दो फायर लगे हैं यहाँ पे। हमें इंसाफ किया जाए। पहले इतनी दफा हमने इन्फॉर्म किया पुलिस वालों को। ठीक है, जितनी भी हमारे वो डकैतियाँ हुई हैं वहाँ पे दोपहर के टाइम हुई हैं। पुलिस हुकाम की यकीन दहानियों के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस ने 3 दिनों में मुलजम गिरफ्तार ना किए तो वो फिर एहतजाज पर मजबूर होंगे। उन्होंने वजीर अला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, जबकि वारदातों की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाए। कैमरामैन यासर खान और नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। लाहौर हो या कराची या मुल्क का कोई और शहर, हमारे ताजरों के कारोबार और उनकी जिंदगी को तहफ्फुज़ देने वाला कोई भी नहीं। डाकू जब चाहे उन्हें लूटने के बाद कत्ल भी कर सकते हैं और हमारी पुलिस उस वक्त पहुंचती है जब वो डकैती के बाद भाग जाते हैं। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।